अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सना वसीम ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड IVF स्पेशलिस्ट। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि मैम ट्विन्स प्रेगनेंसी में हमको नॉर्मल डिलीवरी करना है, तो प्रीवियस अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है फिर सेकेंड ट्विन्स प्रेगनेंसी आप कंसीव कर चुके हो तो आपको ट्विन्स में भी नॉर्मल डिलीवरी करना है। हम ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में ट्विन्स प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरीज बहुत सारे कर चुके हैं। अगर आपका ट्विन्स प्रेगनेंसी में दोनों बेबीज़ का हेड डाउन रहता है, जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में दोनों बेबीज़ का प्रेजेंटेशन रहता है हेड का, तो तब हम आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी ट्विन्स में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी में एक का प्रेजेंटेशन ब्रिज रहे, जैसे कि आड़ा रहता है बेबी या फिर ट्रांसफर लाइव पोजिशन में रहता है, तो वो सिचुएशन में आपको जो है हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सिंगल बेबी का, देन ट्विन्स में भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होना है, ऐसा नहीं होगा। अगर बेबीज़ के दोनों के भी हेड डाउन रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर नहीं होंगे तो फिर ऑपरेशन होगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, बेबीज़ 2.5 kg के अबव हो जाते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी में, तो उससे मदर को कॉम्प्लिकेशन आती है, इंडाइजेशन वगैरह या फिर ब्रीथिंग इशू आता है, तो और या फिर बेबी कुछ स्टूल पास कर लेते हैं अंदर, या फिर वाटर लेवल कम हो जाता है बेबीज़ का, तो उस वजह से हमको ऑपरेशन के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। अदरवाइज हम ट्विन्स में भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में। हिट टीवी ऐप ऑल द सक्सेस फॉर देयर लॉन्च। प्लीज डाउनलोड द ऐप। डाउनलोड द हिट टीवी ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। डाउनलोड द ऐप नाउ।